अस्सलाम वालेकुम, न्यूज प्लस के साथ मैं हूँ अकाश अंजुम। शामिल करेंगे न्यूज हेडलाइंस। कार पर फर्द जुर्म आयद कर दी गई। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने इसहाक डार पर फर्द जुर्म के इल्जाम पढ़कर सुनाए। इसहाक डार के खिलाफ नैब रेफरेंस की समाअत 4 अक्टूबर तक के लिए मुलतवी। मेरे असासे मेरी आमदन से मुताबकत रखते हैं। एहतसाब अदालत में इल्जाम का दिफा करूंगा, अपनी बेगुनाही भी साबित करूंगा। वजीर खजाना इसहाक डार का सेहत जुर्म से इंकार। पीटीआई की अपोजिशन लीडर तब्दील करने की कोशिश अपने ही गले पड़ गई। पीटीआई के पार्लिमानी लीडर शाह महमूद कुरैशी को कौमी असेंबली में बतौर कायदे हिस्से के खिलाफ नामजद करने पर पार्टी रहनुमा दो हिस्सों में तकसीम। बाज लोगों को इज्जत नहीं दौलत अजीज है, सबसे गहरे पानी में इसहाक डार है। इन लोगों ने जमहूरियत का सत्यानाश कर दिया है। अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद अहमद की मीडिया से गुफ्तगू। वफाकी वजीर ममलिकत तारिक फजल चौधरी का कहना है कि आज एहतसाब अदालत में इसहाक डार की इस्तेदा को नहीं सुना गया। हम सिर्फ रूल ऑफ लॉ की बात नहीं करते बल्कि अदालतों का सामना भी कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई चेयरमैन इमरान खान के खिलाफ तौहीन अदालत की केस की समाअत अगर 12 अक्टूबर तक इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसला ना किया तो इलेक्शन कमीशन अपना हुक्म जारी कर देगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के रिमांड समाअत 12 अक्टूबर तक के लिए मुलतवी। नैब नवाज शरीफ के केस में लचक दिखा रहा है। नैब कानून के मुताबिक केस का फैसला 1 माह में होता है, मगर नवाज शरीफ के केस में 6 माह की मोहलत दी गई। तहरीक इंसाफ के रहनुमा नईमुल हक की इलेक्शन कमीशन के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। लाइन ऑफ कंट्रोल पर नकियाल सेक्टर में भारतीय फौज की बिला इश्तियाल फायरिंग से 1 शहरी शहीद और 4 जख्मी हो गए।